कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम कवर करेंगे और बहुत सारे कोर्सेज आप तक लेकर आएंगे। तो प्लीज़ एक्सपर्टाइज नॉलेज को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस क्वालिटी नॉलेज को गेन कर सकें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे इनकम टैक्स के नेक्स्ट पॉइंट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल को, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। हम एक वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बेसिक फैक्ट्स, बेसिक बातों को रेजिडेंशियल स्टेटस को जानने के लिए। यहाँ पे सिर्फ हम इंडिविजुअल के लिए डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो रेजिडेंशियल स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में कुछ जनरल कंडीशंस दी हुई हैं, जनरल कंडीशंस हैं सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। कि अगर इंडिविजुअल है उसको ये चेक करना है कि वो रेजिडेंट है या नहीं है। इसमें केवल यही चेक होगा कि क्या वो पर्सन नॉन रेसिडेंट है या रेसिडेंट है, ठीक है। तो अगर किसी भी इन एनी प्रीवियस ईयर ही और शी सेटिस्फाई, ठीक है, फुलफिल करे कोई भी एक कंडीशन, एनी वन ऑफ द कंडीशंस, तो वो रेजिडेंशियल स्टेटस का हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सी कंडीशन है? पहली आपकी कंडीशन है एक कि आइदर ही और शी, ठीक है, हैज बीन इन इंडिया, वो इंडिया में रहने चाहिए कितने में, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है, फॉर अ टोटल पीरियड, पूरा टोटल पीरियड कितना होना चाहिए, 182 डेज और मोर। पहली कंडीशन क्या है, ही और शी कोई भी पर्सन हो उसको अपने देश इंडिया में रहना चाहिए, कब, पिछले साल, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की मीनिंग नहीं क्लियर हो प्लीज़, वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, उसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट है इसीलिए एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, प्लीज़ जाके उसको देखेंगे, ठीक है। कई बार आपको लगता है आपको क्लियर है कॉन्सेप्ट बट वहाँ पर कुछ एक नई बात बता दी जाती है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, ठीक है। तो ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर उसको भारत में रहना है, टोटल पीरियड होना चाहिए, ये नहीं बोला कि 182 डेज लगातार है, टोटल जो पीरियड है प्रीवियस ईयर में वो कितना होना चाहिए, इक्वल टू और प्लस, दिमाग में रख लें, इक्वल टू और प्लस 182 डेज, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए। और दूसरी बी कंडीशंस क्या है, उनको ही और शी हुआ मे बी, ठीक है, इन इंडिया में होना चाहिए उन्हें, मैं प्लस करके लिख रही हूँ, ठीक है, कितना समय, 4 ईयर्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है। टोटल पीरियड कितना है, टोटल पीरियड जो है इक्वल टू और मोर देन 365 डेज, टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज, एंड परेशानी हुई अभी समझा रही हूँ, एंड इंडिया में होना चाहिए उस पर्सन को कितना देर, कम से कम इक्वल टू एटलीस्ट मिनिमम 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेकंड कंडीशन को देखते हैं, उस व्यक्ति को, उस पर्सन को भारत में रहना चाहिए फॉर 4 ईयर्स, लास्ट जो हमारा कोई भी प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले के 4 प्रीवियस ईयर ले लेंगे, ठीक, इस 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज या उससे ज़्यादा रहना है, लगातार की बात नहीं की है, टोटल की बात हुई है, टोटल 365 डेज और मोर। एंड क्या बोला है कि पिछले साल जो ये जो प्रीवियस ईयर काटा है इसमें, इस प्रीवियस ईयर में उसे कम से कम एटलीस्ट 60 डेज अपने देश में रहना है, ठीक है। तो आप एक बार रिकॉल करिए, यहाँ पे भी इक्वल टू प्लस 182 डेज, क्योंकि एग्जाम हॉल में बच्चे बैठते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं यार, 60 डेज इक्वल टू था, प्लस था, क्या था, ओ इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, हाँ। तो क्या करना है, इक्वल टू और मोर देन 182 डेज, इक्वल टू एंड मोर देन 365 डेज, बट इक्वल टू क्या है,
60 डेज है, ठीक है, ये क्या है, इक्वल टू है, 60 डेज क्या है, इक्वल टू है, ठीक है। तो मैं एक बार इंग्लिश वर्जन में जो लीगल टर्म है उसको रीड कर लेती हूँ दोनों कंडीशंस को। ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर। और सेकेंड कंडीशन क्या है, ही हैज़ बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 365 डेज और मोर एंड हैज़ बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर। आई होप आपको दोनों बेसिक कंडीशंस जो हैं वो क्लियर हो गई हूँ, ठीक है, यस। तो क्या बोला गया, अगर इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो रेसिडेंट हो जाएगा, दोनों हो जाती है तब तो रेसिडेंट होना ही होना है, और अगर निल कंडीशन सेटिस्फाई होती यानी कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ बेसिक फैक्ट बताऊंगी, एक जिस दिन वो एंटर कर रहा है, द डे पर्सन इज एंटरिंग इनटू एन इंडिया, और डे ही इज लीविंग इंडिया, यानी जिस दिन आ रहा है जिस दिन जा रहा है, ठीक है, दोनों दिन को हमें कंसिडर करना है, स्टे को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दोनों दिन इंक्लूड करने हैं, ठीक है। आई मस्ट रीड अ लीगल टर्म, द डे ऑन विच ही एंटर्स इंडिया एज वेल एज द डे ऑन विच ही लीव्स इंडिया शैल बी टेकन इनटू अकाउंट एज द स्टे ऑफ द इंडिविजुअल इन इंडिया। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ प्रोविजंस याद रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेगा, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, बट आपको कभी नोट्स देना पड़ जा रहा है या थ्योरी के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करने पड़ रहे हैं, तो अगर आपकी लीगल टर्म्स में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स, अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो, गेन कर सकते हो, इसीलिए मैं लीगल टर्म्स को रीड करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है, स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया में क्या होगा, स्टे इन इंडिया में इंक्लूड करना है क्या, टेरिटोरियल वाटर में अगर वो रह रहे हैं, टेरिटोरियल वाटर ऑफ एन इंडिया, ठीक है, चाहे वो शिप पे हो, बोट पे हो, ठीक है, और टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया के अंदर हो, ठीक है, तो भी उसे इंक्लूड कर लेना है। तो किसको इंक्लूड करना है, जिस दिन आ रहा है जिस दिन जा रहा है उसको भी इंक्लूड करना है, शिप या बोट में टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया में बैठे हुए तो उसे भी इंक्लूड करना है। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इज मतलब क्या होता है, 12 नॉटिकल माइल इनटू द सी फ्रॉम द इंडियन कोस्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बताऊंगी, एक तो इंक्लूड क्या क्या करना है, जिस दिन आए हैं और जिस दिन गए हैं, दूसरा फैक्ट क्या बताया, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया पे भी हैं, शिप पे हैं, बोट पे हैं, वो भी इंक्लूड होगा। तीसरा फैक्ट क्या बता रही हूँ कि कंटिन्यूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीरियड ऑफ स्टे जो है वो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला ना टोटल पीरियड की बात हो रही है, कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही है। सो पीरियड ऑफ स्टे इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कंटिन्यूस हो या एक्टिव हो या नहीं हो, या वो कहीं पर भी हो, भारत के अंदर होना चाहिए, चाहे अपने चाची के घर हो, अपने मामा के घर हो, अपने दुकान पे हो, अपने बिजनेस ऑफिस में हो, वॉट एवर द प्लेस, ठीक है। तो लीगल टर्म क्या होगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कॉन्टिन्यूस और एक्टिव, नॉर इज इट एसेंशियल दैट द स्टे शुड बी एट द यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, ओके। नेक्स्ट फोर्थ फैक्ट क्या बताऊंगी, फोर्थ फैक्ट ये है कि अगर कोई ऑफिशियल टूर के लिए जा रहे हैं अब्रॉड, ठीक है, किससे रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है, तो इसको एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं मानते, एम्प्लॉयमेंट जब हम कंसिडर करेंगे, तो अगर कोई ऑफिशियल टूर है, ठीक है, ऑफिशियल टूर है, हो सकता है लंबे समय के लिए हो रहे हो टूर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, तो इसको नहीं मानेंगे एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इसको एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हमने जो ऊपर दो कंडीशंस पढ़ी, बेसिक कंडीशन एक ही ए फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन द प्रीवियस ईयर इक्वल टू 60 डेज। इसका एक्सेप्शन है,
इसका एक्सेप्शन क्या है, चलिए देखते हैं। इसके एक्सेप्शन है, यानी ये रूल लागू नहीं होगा, ठीक है, ये रूल लागू नहीं होगा, या ऐसे कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, उनको ट्रीट किया जाएगा रेसिडेंट इन इंडिया अगर उनकी स्टे पिछले साल कितनी हो रही है इन द 182 डेज। एक्सेप्शन है ये 182 डेज, यानी आप देख लें तो बी क्लॉज जो नहीं है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, ठीक है। सो जो अब हम फॉलोइंग पर्संस को डिस्कस करेंगे, तो जो कंडीशन है, कंडीशन ए केवल वही लागू होगी, ठीक है। सो लीगल टर्म क्या होगा, फॉलोइंग पर्संस द कंडीशन ए, ओके, ऑफ द बेसिक कंडीशन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस एंड ट्रीटेड एज रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ देयर स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट्स टू 182 डेज। कौन से लोग हैं वो भाई एक्सेप्शन के अंदर, चलिए देख लेते हैं। पहला, इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, एक तो वो सिटीजनशिप उसकी इंडिया की होनी चाहिए, ठीक है। सो इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन, ठीक है, लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट के लिए आउटसाइड, और ये है कि भाई वो वहाँ स्थिर हो जाएंगे, लौट के नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला व्यक्ति जो एक्सेप्शन है, जिनके लिए 182 डेज का कंडीशन जो है वो एप्लीकेबल होगा, यानी अगर वो प्रीवियस ईयर में 182 डेज रहते हैं भारत में तो रेसिडेंट हो जाएंगे, और अगर इससे कम रहते हैं तो वो रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। कौन से व्यक्ति, इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। सेकेंड, कौन से ऐसे पर्सन है, क्रू मेंबर वाले, ठीक है, क्रू मेंबर वाले, ठीक है, इंडियन सिटीजन बींग अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, यानी सिटीजनशिप उस व्यक्ति की क्या होनी चाहिए, इंडियन, ठीक है, इंडियन सिटीजन बीइंग अ क्रू मेंबर ऑफ अ किसका, इंडियन शिप का, शिप भी कौन सी होनी चाहिए, इंडियन होनी चाहिए, लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन शिप में होना चाहिए, क्रू मेंबर होना चाहिए, ठीक है, और इंडिया के बाहर जा रहा हूँ, ठीक है, तो 182 डेज वाली ही कंडीशन केवल चेक होगी। थर्ड कौन से व्यक्ति हैं, थर्ड वो पर्सन है, ठीक है, या वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और प्रोफेशन के लिए जाते हैं, ठीक है, थीके? इसका लीगल टर्म देख लेते हैं, इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन, या तो वो इंडियन सिटीजन हो, ठीक, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, इंडियन ओरिजिन हो, ठीक है, इंगेज हो रहे हैं आउटसाइड इंडिया इन एन एम्प्लॉयमेंट, किस लिए जाते हैं ये, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, या प्रोफेशन के लिए जा रहे हैं, और किसी और एनी अदर, देखिए वर्ड यूज हो गया, और एनी अदर वोकेशन, ठीक, और विजिट कर रहे हैं इंडिया, ये इन सब चीज़ों के लिए गए हुए हैं और पिछले साल विजिट कर रहे हैं इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, ठीक है। सो इंडियन ओरिजिन किसको बोलते हैं, इंडियन ओरिजिन उन्हें बोला जाता है चाहे वो या उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की अनडिवाइडेड इंडिया में बर्थ। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, आइदर मदर और अ फादर, और आइदर ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स, आइदर अ ग्रैंड मदर और अ ग्रैंड फादर, वर बॉर्न, बॉर्न की बात हुई है, बर्थ की बात हुई है, इन अनडिवाइडेड इंडिया, ठीक है। तीन कैटेगरी ऑफ पीपल है, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया के लिए जा रहे हों, दूसरा क्रू मेंबर, और तीसरा बाहर रहते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए, या किसी भी वोकेशन के लिए, लेकिन इंडिया आए हों पिछले साल, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। द अबव पर्सन स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, अगर लेस देन 182 डेज है तो क्या हो जाएगा, वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा, यानी इक्वल टू और मोर देन 182 डेज हुआ तो वो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये तीन कैटेगरी ऑफ दी पीपल में,
और अगर लिविंग इंडिया है फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसमें हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई अगर बाहर जा रहा है तो उसको भी कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब क्रू मेंबर की बात की है, ठीक है, इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन और मेंबर ऑफ एन इंडियन ओरिजन, मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ फॉरेन बाउंड शिप लिविंग इंडिया, ठीक है, तो उनका पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल बी इन रिस्पेक्ट ऑफ वोएज, कैसे कैलकुलेट होना है उनका जब पीरियड ऑफ स्टे ऑफ इंडिया है, दो पीरियड को कैलकुलेट नहीं करना है, शैल नॉट बी इंक्लूडेड, कौन कौन सा पीरियड जो स्टार्ट हुआ है, द डेट दे एंटर इनटू द कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग द शिप बाय द इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉलेट, वो तारीख जिसमें वो एंटर करते हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में, और जिस दिन वो जा रहे होते हैं पीरियड कब एंड हो रहा है कौन सा, ये जो पीरियड है ना स्टार्ट एंड एंडिंग, ये ड्यूरेशन इंक्लूड नहीं होगा, डेट एंटर्ड इनटू अ कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग ऑफ बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ वोएज, लीगल टर्म रीड करूँगी, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल ऑफ अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप इंडिविजुअल बींग एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप, फॉरेन बाउंड शिप मीन्स कि वो भारत का जहाज बाहर जाने के लिए होता है, ठीक है, लिविंग इंडिया द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वोएज शैल बी डिटरमाइंड इन द मैनर एंड सब्जेक्ट टू सच प्रिस्क्राइब कंडीशंस मेंशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट एंड फॉर डिटरमाइनिंग द पीरियड ऑफ स्टे इन इंडिया द फॉलोइंग पीरियड शैल नॉट बी इंक्लूडेड, इनका ये दौरान का पीरियड इंक्लूड नहीं होगा, कौन सा पीरियड, पीरियड स्टार्टिंग और बिगनिंग फ्रॉम डेट एंटर इनटू सर्टिफिकेट कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, जिस दिन वो सर्टिफिकेट में एंटर हुआ, एंटर कौन सी, वो सर्टिफिकेट में मेंशन की हुई हो, ठीक है, डेट एंटर इनटू कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ किसके लिए, ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वॉयज, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो और पीरियड एंड कौन सा, a date entered into a continuous discharge certificate in respect of signing off by the individual from the ship in respect of such voyage, yani us duration ko it duration ko inki residential state ke liye calculate nahi karna, yani jab unke case mein hum 182 days or more ka calculation check karenge to ye jo duration hoga isko consider nahi karna hai, theek hai, I hope aapko clear ho gaya ho, okay great, तो मैंने बेसिक कंडीशंस आपको बता दी, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एक इंडी, ये जो अबव हमने देखा वो इंडिविजुअल का क्या डिटरमाइन होगा, आइदर वो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, अब हम एक नेक्स्ट वीडियो में इसका बेसिक कंडीशन का क्विक रिकॉल करेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे जनरल का डिफरेंट कंडीशनल्स को जो डिटरमाइन करेंगे, एक रेसिडेंट है अगर तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉट ऑर्डनरी रेसिडेंट का, तो ये एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे ताकि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो जाए आपके लिए, ठीक है, सो आपको ये वीडियो डिस्कस करने के बाद कोई भी डाउट रह रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और फेसबुक पे पेज है वहाँ पे भी आप हमसे डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही या कुछ के लिए आपको कुछ और वैल्यू एडिशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचे, और अगर नहीं पसंद आया तो अपने वैल्यूबल सजेशंस हमें कमेंट सेक्शन में दें ताकि हम उसको एनालिसिस करें और फ्यूचर वीडियोज़ में उसे हम इंक्लूड कर सकें, और प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि एजुकेशन इक्वालिटी नॉलेज हर तक पहुंच सके, हमारे पास जो टीचर्स जो फैकल्टीज जुड़ रही हैं उनकी नॉलेज केवल उन तक सीमित नहीं रहे, वो हर तक पहुंचे, ठीक है, तो प्लीज़ इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है, सो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि जब भी नए वीडियोज़ अपलोड हों आपके पास क्वालिटी नॉलेज पहुँचती रहे, सो स्टे कनेक्टेड, क्वालिटी नॉलेज पाते रहें, जय हिंद जय भारत।